हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी LIC AA के मार्क्स, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के, क्योंकि साथ ही में इनका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है एंड काफ़ी टाइम के बाद हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम हुआ टाइम हो चुका है, कल ही ये स्कोर कार्ड आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी कि बहुत से लोगों ने इसका एग्जाम दिया होगा आई थिंक। तो आप लोग भी अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस का। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कट ऑफ क्या रही है। प्रीलिम्स का तो मुझे आई थिंक हाँ पता चल गया, बट मेंस का मुझे नहीं पता चल पा रहा कि मेंस की कट ऑफ क्या रही है, क्योंकि मेरा एक सेक्शनल रुकने की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि फाइनल की कट ऑफ क्या रही है और मेंस की क्या, अगर किसी को पता है तो। एंड यस, जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा तो उन्हें तो पता ही होगा कि LIC AA का जो फाइनल रिजल्ट आया था तो उनकी कट ऑफ क्या रही होगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो। ठीक है, तो प्रीलिम्स की बात करते हैं। इसमें लिस्ट आती है PDF लिस्ट, तो कट ऑफ नहीं पता चल पाता, बस लिस्ट में हमारा नाम होता है। तो अभी स्कोर आया तो मेरा स्कोर जो रहा है 56 रहा है। ठीक है, रीजनिंग में 33 एंड कॉन्ट सेक्शन में 23 एंड इंग्लिश सेक्शन में रहा है 16 मार्क्स। इसमें भी क्या है कि जैसे हमारे IPS के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डिसाइड कट ऑफ होती है, जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो बेसिस किस बेसिस पे डिसाइड होती है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, मतलब एग्ज़ाम की डिफिकल्टी क्या है, ठीक है, ईजी है, मॉडरेट है या टफ है, तो उस बेसिस पे सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड होती है। इसमें क्या है, प्री डिसाइडेड था सब कुछ कि हाँ इतने मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं। रीजनिंग अकाउंट में आई थिंक 18 था एंड इंग्लिश सेक्शन में 15 मार्क्स आपको, मतलब हाफ मार्क्स आपको चाहिए थे, 30 में से 15 चाहिए था। अगर इसको जरा सभी नीचे हो जाता तो मेरे मार्क्स अकाउंट एंड रीजनिंग कितने भी अच्छे होते मैं डिस्क्वालीफाई हो सकती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। वही चीज़ मेंस में भी था आपका कि 90 का जो हमारा DI था और रीजनिंग एबिलिटी था उसमें आपको 45 मार्क्स आपको चाहिए थे। उसके ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, बट आपको 45 चाहिए था उसके नीचे डिस्क्वालीफाई माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हें आइडिया नहीं है या जिन्होंने LIC AA का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही थी। तो बात करते हैं मेंस के स्कोर की। तो मेंस में रीजनिंग सेक्शन में तो ठीक अच्छा रहा है स्कोर, 84 out of 90। काम जो ख़राब हुआ है वो जनरल अवेयरनेस की वजह से हुआ है, इसमें मैंने इतने कम तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ डिसाइड किया लें कि 60 में से 30 आपको मार्क्स चाहिए या 90 में से 45 चाहिए, तो लेवल भी एग्ज़ाम का वैसा ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उन्होंने नहीं बनाया होगा, बट करंट अफेयर अब क्या ही बोलें। ठीक है, सब कुछ ख़राब कर दिया इसने। और DI सेक्शन में मेरे 72 मार्क्स रहे, ये भी और बेटर हो सकते थे आई थिंक, क्योंकि कम है मुझे ऐसा लग रहा है। और इंश्योरेंस सेक्शन की बात करें, मतलब इंश्योरेंस अवेयरनेस की, तो उसमें 32 हैं आउट ऑफ 60, तो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से, क्योंकि ये हमारा जो सेक्शन है वो मेरे किसी एग्ज़ाम में नहीं होता है। स्पेसिफिकली NISL का एग्ज़ाम है, LIC का है, या कोई भी हम इंश्योरेंस का एग्ज़ाम देते हैं उसी में हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें अगर मार्क्स इतना हमने सेक्शनल निकाले तो ठीक है, अलग बात है, अच्छी बात है, मतलब मैं मानती हूँ, क्योंकि ये तो हम पढ़ रहे हैं डेली, क्योंकि हमें सारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, बट ये हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं हुआ। ये इंग्लिश लैंग्वेज को है, वो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है हमारा, 25 मार्क्स थे उसमें। अगर ये GA सेक्शनल क्वालिफाई होता तो ये भी मार्क्स चेक होते, हालांकि आई थिंक जो टोटल मार्क्स में रहे हैं 206 रहे हैं। जो नीचे ना नोट लिखा हुआ है कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए है जिन्होंने सारे सेक्शन क्लियर कर लिए, और बाकी जो इंग्लिश सेक्शन है वो हमारा इंक्लूड नहीं माना था, वो सिर्फ क्वालिफाइंग था नीचे में, उसे रैंकिंग में या आपके जो मार्क्स थे या जो कट ऑफ रिलीज होगी उसमें उसका कोई रोल नहीं था, इसलिए आई थिंक उन्होंने नहीं दिया है। तो ये ओवरऑल मेरा स्कोर रहा है, मेरी परफॉर्मेंस रही थी। आप लोग अपना ज़रूर शेयर करना और मुझे मेंस का कट ऑफ ज़रूर बताना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि सेक्शनल नहीं दिख रहा है और ये इंग्लिश लैंग्वेज भी आई थिंक क्वालिफाइंग था, तो इसमें भी कुछ ऐसा तो था नहीं कि इसमें कोई कट ऑफ रही होगी, आई थिंक 10 मार्क्स रहा होगा। ठीक है, बाकी लेकिन आप बताना जरूर अगर किसी को पता है, क्योंकि मेंस की कट ऑफ मुझे नहीं मिल पा रही है, बाकी तो पता है प्रीलिम्स का। ठीक है, और अपने स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी दिवाली है आज, छोटी है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। बाकी कल से है, मतलब कल रहेगी बड़ी दिवाली, तो उसके लिए हम कल आपको विश कर देंगे अच्छे से। ठीक है, फिलहाल आप जो लोग अपने घर पे हैं अच्छे से इन्जॉय करिए, एंड 18 को एग्ज़ाम भी हमारा, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, और बस बाकी स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए, मैं वेट करूँगी कि मुझे जानना है। और थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट, वंस अगेन हैप्पी दिवाली।